गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ जमाला दुबे, आई एम योर SST टीचर. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट चैप्टर 8, एनिमल्स अराउंड अस. एंड व्हाट वी लर्न अबाउट डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स, आवर पेट्स, लैंड एंड वाटर एनिमल्स एंड बर्ड्स. एनिमल्स लिव ऑल अराउंड अस. Some of them live with us in our home, such as dog and cats. Some animals are found in forest, such as deer and lions. Means, some of them live with us in our homes. कुछ अपने घर में रहते हैं, जैसे कि dog and cat. And some animals are found in forest, कुछ जंगल में रहते हैं, जैसे कि deer and lion. Next topic is domestic animals. Some animals live on farms or in our houses. These animals are called domestic animals. Domestic animals are dependent on us for food, shelter and care. Means कुछ जानवर खेतों पे या हमारे घरों में रहते हैं. घरेलू जानवर means domestic animal. Food means फूड, शेल्टर, केयर मीन्स देखभाल के लिए हम पर डिपेंडेंट रहते हैं. डोमेस्टिक एनिमल हेल्प अस इन मैनी वेज. जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं वो बहुत तरह से हमारी हेल्प करते हैं. जैसे कि एनिमल्स लाइक काउज एंड बुफेलो गिव अस मिल्क. काउ और बफेलो हमें मिल्क देते हैं. हैन गिव अस एग्स. हैन क्या करती है? एग देती है. शिप गिव अस वुल. शिप क्या करते हैं? वुल देते हैं. हॉर्सेस एंड कैमल्स हेल्प अस गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हॉर्स और कैमल एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में हमारी हेल्प करती है. ऑक्सन वर्क ऑन फार्म्स. खेतों पर बैलों का काम करती है. नेक्स्ट टॉपिक इज आवर पेट्स. वी कीप सम एनिमल टू प्रोवाइड अस कंपनी. मीन्स हमें कंपनी प्रदान करने के लिए कुछ जानवरों को हम रखते हैं. दे आर आवर पेट्स. ये हमारे क्या है? पालतू जानवर है. सम पीपल लव टू कीप पेट्स. डॉग एंड कैट्स आर द टू मोस्ट कॉमन पेट एनिमल्स. सम पीपल ऑल्सो लाइक टू कीप फिश और बर्ड्स एज अ पेट. मीन्स कुछ लोग पालतू जानवरों को रखना पसंद करते हैं. कुत्ते और बिल्लियां तो सबसे आम पालतू जानवर हैं. कुछ लोग मछली या पक्षियों को पालतू जानवरों की तरह रखना पसंद करते हैं. वी मस्ट केयर फॉर आवर पेट्स. वी शुड टेक देम टू अ वेट व्हेन दे आर नॉट वेल. हमें अपने पालतू जानवरों की देखभाल करनी चाहिए. जब वे ठीक नहीं होते हैं तो हमें उन्हें पशु चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड एनिमल्स. मैनी एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट और अवे फ्रॉम अस. बहुत से जानवर जंगल में रहते हैं. एनिमल्स सच एज लॉयन, टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड डियर लिव इन फॉरेस्ट. कौन कौन से जानवर जंगल में रहते हैं? लॉयन रहता है, टाइगर रहता है, एलिफेंट, डियर, ये सब कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं. दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. इन्हें हम सब क्या बोलते हैं? इन सब जानवरों को जो जंगल में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज लैंड एंड वाटर एनिमल्स. सम एनिमल्स लिव ऑन द लैंड, सम लिव्स इन द वाटर. मीन्स कुछ जानवर लैंड पे रहते हैं, मीन्स जमीन पे, और कुछ पानी में. हॉर्सेस, डंकीज, लॉयंस, एलिफेंट एंड राइनासोर लिव ऑन द लैंड. ये सब जानवर हमारे कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं. कैन यू नेम टू मोर लैंड एनिमल्स. क्या आप मुझे दो लैंड एनिमल्स के नाम बता सकते हैं? सम एनिमल्स लिव इन ट्री ऑल्सो. कुछ जानवर पेड़ पे भी रहते हैं. दीज एनिमल इंक्लूड्स मंकी एंड आउल. कौन कौन से? मंकी एंड आउल. ये सब कहाँ रहते हैं? ट्री पे. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स. जो पानी में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वाटर एनिमल्स. दे कैन स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स एंड टेल्स. वे अपने फिन्स और टेल के हेल्प से वो क्या करते हैं? स्विम करते, तैरते हैं.
Dolphin, fish, turtles, crocodiles and whales are some of water animals. ये सब क्या है हमारे सारे water animals means पानी में सारे animals रहते हैं. Dolphin, fish, turtle, crocodile and whales. Next topic is birds. Birds have wings to fly and their bodies are covered with feathers. पक्षियों के पंख उड़ने के लिए होते हैं और उनके शरीर पंखों से ढके होते हैं. दे हैव बीक्स टू ईट देयर फूड. वे अपने खाने के लिए चोंच मारते हैं. सम कॉमन बर्ड्स आर स्पैरो, बुलबुल्स एंड मैनास. मीन्स कुछ सामान्य पक्षी जैसे कि गौरैया, बुलबुल और मैनास हैं. Some birds are heavy and cannot fly. कुछ birds बहुत ही heavy होते हैं जो कि fly नहीं कर पाते. They can walk and run. वो चलते हैं और दौड़ते हैं. Some such birds are emus, penguins, ostrich. And some birds like duck, swans and pelicans can swim. ये सब क्या होते हैं birds? स्विम करते. कौन कौन से? डक्स है, स्वैन्स हैं एंड पेलिकन्स हैं. ये सब क्या करते हैं? स्विम करते हैं. स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. चैप्टर 8, एनिमल अराउंड अस.